नाकधारी देवाधिदेव सद्योजात मेरे व्रत में प्रसन्न हो। तदनंतर मांगलिक ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन एवं दक्षिणा आदि देकर तृप्त करे और स्वयं दधि मिश्रित घी खाकर रात्रि में उत्तराभिमुख हो भूमि पर शयन करे। पूर्णिमा तिथि को प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों की पूजा करने के पश्चात मौन होकर भोजन करे। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी यह सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार सभी चतुर्दशी तिथियों में पूर्ववत शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। अब प्रत्येक मास में जो विशेषताएं हैं उन्हें क्रमशः बतला रहा हूँ, सुनिए। मार्गशीर्ष आदि प्रत्येक मास में क्रमशः इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शंकराय नमस्तेस्तु, आप शंकर के लिए मेरा नमस्कार प्राप्त हो। नमस्ते करवीरक, करवीरक आपको नमस्कार है। त्रयंबकाय नमस्तेस्तु, आप त्रयंबक के लिए प्रणाम है। इसके बाद महेश्वराय नमः, महेश्वर को अभिवादन है। महादेव नमस्तेस्तु, महादेव आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। उसके बाद स्थाणवे नमः, स्थाण को प्रणाम है। पशुपतये नमः, पशुपति को अभिवादन है। नाथ नमस्ते, नाथ आपको नमस्कार है। पुनः शंभवे नमः, शंभु को प्रणाम है। परमानंद नमस्ते, परमानंद आपको अभिवादन है। सोमार्धधारिणे नमः, ललाट में अर्धचंद्र धारण करने वाले को नमस्कार है। भीमाय नमः, भयंकर रूपधारी को प्रणाम है। ऐसा कहकर अंत में कहे कि मैं आपके शरणागत हूँ। प्रत्येक मास की दोनों चतुर्दशी तिथियों में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, पंचगव्य, बेल, कर्पूर, अगुरु, यव और काला तिल, इनमें से क्रमशः एक एक पदार्थ का प्राशन बतलाया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक मास की दोनों चतुर्दशी तिथियों में मंदार, पारिभद्र, मालती, धतूरा, सिंधुवार, अशोक, मल्लिका, पाटल, पाढ़र पुष्प या लाल गुलाब, मंदार पुष्प, सूर्यमुखी, कदम्ब, शतपत्री, श्वेत कमल या गुलाब और कमल, इनमें से क्रमशः एक एक के द्वारा पार्वती पति शंकर की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कार्तिक मास आने पर अन्न, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुष्पमाला और आभूषणों से ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से तृप्त करें। व्रती मनुष्य को वेदोक्त विधि के अनुसार नील वृष का भी उत्सर्ग करने का विधान है। तत्पश्चात अगहनी के चावल से परिपूर्ण तांबे के पात्र पर स्वर्ण निर्मित उमा महेश्वर और वृषभ की मूर्ति को स्थापित कर दे और उसके निकट 8 मोती रख दे। फिर उसे गौ के साथ ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही 2 श्वेत चादरों से आच्छादित तथा समस्त उपकरणों से युक्त घट सहित एक शैया भी दान करनी चाहिए। यह दान ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए जो शांत स्वभाव, वेद व्रत परायण और ज्येष्ठ साम का ज्ञाता हो। बगुला व्रती कपटी ब्राह्मण को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। वस्तु तस्तु गुणज्ञ, वेद पाठी, तत्ववेत्ता, सुडौल अंगों वाले, सौम्य स्वभाव, कल्याणकारक एवं सपत्निक आचार्य की वस्त्र, पुष्पमाला और आभूषण आदि से भली भांति पूजा करके यह दान उन्हीं को देना चाहिए। यदि गुरु आचार्य उस समय उपस्थित हों तो उन्हीं को दान देने का विधान है। उनकी अनुपस्थिति में अन्य ब्राह्मणों को दान दिया जा सकता है। इस दान में कृपणता नहीं करनी चाहिए। यदि करता है तो उसके दोष से कर्ता का अधः पतन हो जाता है। जो मानव उपयुक्त विधि के अनुसार इस शिव चतुर्दशी व्रत का अनुष्ठान करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके द्वारा अथवा उसके पिता या भाई द्वारा इस जन्म में
अथवा जन्मांतर में जो कुछ ब्रह्म हत्या यदि पाप घटित हुए रहते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में वह दीर्घायु निरोगता कुल और अन्न की समृद्धि से युक्त होता है और मरणोपरांत स्वर्ग लोक में चार भुजाधारी होकर गणाधिप हो जाता है। वहां 100 करोड़ कल्पों तक निवास कर शंभुपद शिवलोक को चला जाता है। यदि मुख में 10,000 करोड़ जिह्वाएं हो जाएं तो भी इस चतुर्दशी के अनंत फल का वर्णन करने में न तो बृहस्पति समर्थ हैं, न इंद्र, न ब्रह्मा समर्थ हैं, न सिद्धगण तथा मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। जो मनुष्य मत्सर रहित हो संपूर्ण पापों से विमुक्त करने वाली इस शिव चतुर्दशी के महात्म को सदा पढ़ता, स्मरण करता अथवा श्रवण करता है उस पुण्यात्मा का करोड़ों देवांगनाएं स्तवन करती हैं। फिर जो सदा इसका अनुष्ठान करता है उसकी तो बात ही क्या है। स्त्री भी यदि अपने पति, पुत्र और गुरुजनों की आज्ञा लेकर अत्यंत भक्तिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी परमेश्वर की कृपा से पिनाकपाणि भगवान शंकर के परम पद को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शिव चतुर्दशी व्रत नामक 95वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 96वां अध्याय सर्व फल त्याग व्रत का विधान और उसका महात्म्य। नंदकेश्वर बोले, नारद जी, अब कर्म फल त्याग नामक व्रत का जो महत्व है उसे सुनिए। वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। मुने, मंगलमय मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, अष्टमी, द्वादशी अथवा चतुर्दशी तिथि को ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। मुनि सत्तम, इसी प्रकार यह व्रत अन्य पुण्यप्रद महीनों में भी किया जा सकता है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत में औषध के अतिरिक्त सामान्य रूप से निंद्य फल और मूल के साथ 18 प्रकार के धान्य त्याज्य वर्जनीय माने गए हैं, अतः उन्हें 1 वर्ष तक त्याग देना चाहिए। पुनः रुद्र, धर्मराज और वृषभ की स्वर्णमयी मूर्ति बनवाई जाए। इसी प्रकार यथाशक्ति कुष्मांड, मातुलुंग, बिजौरा नींबू, वातार्क, भाटा, पनस कटहल, आम, आम्रातक, आमड़ा, कपित्थ, कैथ, कलिंग, तरबूज, बालुक, पनियाला, बेल, पीपल, बेर, जंबीर, जंबीरी नींबू, केला, काश्मर, गंभारी और दाडिम, अनार, ये 16 प्रकार के फल भी सोने के बनवाए जाएं। मूली, आंवला, जामुन, इमली, करमर्दक, करौंदा, कंकोल, शीतल चीनी की जाति के 1 वृक्ष का फल, इलायची, तुंडीर, कुदरू, करीर, करील, कुटज, इंद्रयव, शमी, गूलर, नारियल, अंगूर और दोनों बृहती, बन भाटा, भटकैया, इन 16 को अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का बनवाना चाहिए। व्रती मनुष्य संपत्ति के अनुकूल ताड़ फल, अगस्त फल, पिंडारक, विकंकत या पिडार, काश्मर्य, गंभारी फल, सूर्णकंद, जमीकंद, रतालू, धतूरा, चिरभिट, ककड़ी या पिहटिया, चित्रवल्ली, तेजपात फल, काले सेमल का फल, आम, निष्पाव सेमर या मटर, महुआ, बरगद, मूंग और परवल, इन 16 का तांबे से निर्माण कराए। तत्पश्चात वस्त्र से सुशोभित 2 कलश सप्त धान्य के ऊपर स्थापित करे। वह 3 भोजन पात्रों से युक्त हो और उस पर धर्मराज, रुद्र और वृष की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे। साथ ही 2 सुंदर वस्त्रों से सुशोभित 1 शैया भी प्रस्तुत करे।
फिर उस पुण्यप्रद दिन में यह सारा उपकरण एक गौ के साथ किसी शांत स्वभाव वाले एवं कुटुंबी सपत्निक ब्राह्मण की पूजा करके उसे दान कर दे और इस प्रकार प्रार्थना करे। जिस प्रकार सभी फलों में करोड़ों देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार सर्व फल त्याग व्रत के अनुष्ठान से शिव जी में मेरी भक्ति हो। जैसे शिव और धर्म दोनों सदा अनंत फल के दाता कहे गए हैं, अतः उनसे युक्त फल का दान करने से वे दोनों मेरे लिए भी वरदायक हों। जिस प्रकार शिव भक्तों को सदा अनंत फल की प्राप्ति होती रहती है, उसी तरह मुझे प्रत्येक जन्म में अनंत फल की प्राप्ति हो। जैसे मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सूर्य में कोई भेद नहीं मानता, वैसे ही विश्वात्मा भगवान शंकर सदा मेरे लिए कल्याणकारक हों। इस प्रकार आभूषणों से अलंकृत कर वह सारा सामान ब्राह्मण को दान कर दे। यदि संपत्ति रूपी शक्ति हो तो समस्त उपकरणों से युक्त शैया भी देनी चाहिए। यदि असमर्थ हो तो पूर्वोक्त फलों का ही विधिपूर्वक दान करे। तत्पश्चात शिव और धर्मराज की स्वर्णमयी मूर्ति को दोनों कलशों के साथ ब्राह्मण को दान करके स्वयं मौन होकर तेल रहित पदार्थों का भोजन करे। इसके बाद यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराने का विधान है। वेदवेत्ता लोग सूर्य, विष्णु और शिव के उपासक भक्तों के लिए इस मंगल में सर्व फल त्याग व्रत को बतलाते हैं। द्विज पुंगव स्त्रियों को भी यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक या परलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरा ऐसा व्रत नहीं है जो अनंत फल का प्रदायक हो। मुनि सत्तम, फलों को चूर्ण कर देने पर उनमें लगे हुए सोने, चांदी और तांबे के जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्त्र युगों तक व्रती रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस व्रत का जीवन पर्यंत अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों को यह विनष्ट कर देता है। उन्हें जन्म जन्मांतर में भी पुत्र वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और मरणोपरांत वे इंद्रलोक में चले जाते हैं। मुनीश्वर, जो निर्धन पुरुष देव मंदिरों अथवा धर्मात्मा पुरुषों के गृहों में इस व्रत महात्म को सुनता अथवा पढ़ता है, उसका शरीर इस लोक में पाप से मुक्त हो जाता है और मरणोपरांत वह विष्णु लोक में आनंददायक स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में सर्व फल त्याग महात्म नामक 96वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 97वां अध्याय आदित्यवार कल्प का विधान और महात्म। नारद जी ने पूछा, नंदीश्वर, अब जो व्रत मृत्युलोकवासी पुरुषों के लिए आरोग्यकारी, अनंत फल का प्रदाता और शांतिकारक हो, उसका वर्णन कीजिए। नंदकेश्वर बोले, नारद जी, विश्वात्मा भगवान का जो पर ब्रह्म स्वरूप सनातन तेज है, वह जगत में सूर्य, अग्नि और चंद्र रूप से तीन भागों में विभक्त होकर स्थित है। विप्रवर, उनकी आराधना करके मनुष्य सदा कुशलता का भागी हो जाता है, इसलिए रविवार को रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। जब रविवार हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो शनिवार को मत्सर रहित हो एक ही बार भोजन करना चाहिए। रविवार को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर नक्त भोजन रात्रि में एक बार भोजन करने का विधान है। तदनंतर लाल चंदन से द्वादश दलों से युक्त कमल की रचना कर उसके पूर्व दल पर सूर्य की, अग्निकोण वाले दल पर दिवाकर की, दक्षिण दल पर दिवस्वान की, नैऋत्य कोण स्थित दल पर भग की, पश्चिम दल पर वरुण देव की, वायव्य कोण वाले दल पर महेंद्र की, उत्तर दल पर आदित्य की और ईशान कोण स्थित दल पर शांत की नमस्कार पूर्वक स्थापना करें। पुनः कर्णिका के पूर्व दल पर सूर्य के घोड़ों को, दक्षिण दल पर अर्यमा को, पश्चिम दल पर मारतंड को, उत्तर दल पर रविदेव को,
और कर्णिका के मध्य भाग में भास्कर को स्थित कर दे। तदनंतर लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल मिश्रित जल से उस कमल पर अर्घ प्रदान करे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दिवाकर, काल आपका ही स्वरूप है, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और वेद स्वरूप हैं। आपका मुख चारों दिशाओं में है, अर्थात आप सर्वदृष्टा हैं, तथा अग्नि और इंद्र के रूप में आप ही वर्तमान हैं। अतः मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीले, यजुर्वेद के इशे तोर्जे तथा सामवेद के प्रथम मंत्र अग्न आयाहि के रूप में आप ही वर्तमान हैं। आपको नमस्कार है। वरदायक, आप ज्योति पुंजों के अधीश्वर हैं, आपको प्रणाम है। इस प्रकार अर्घ देकर विसर्जन कर रात में तेल रहित भोजन करना चाहिए। एक वर्ष पूरा होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से एक उत्तम कमल और दो भुजाधारी पुरुष की मूर्ति बनवाए, फिर गुड़ के ऊपर स्थित तांबे के पूर्ण पात्र पर उस कमल और पुरुष को रख दे। उस समय एक सवत्सा कपिला गौ भी प्रस्तुत करे, जो अधिक मूल्य वाली हो, जिसके सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े गए हों, तथा जिसके निकट कांस दोहनी भी रखी हो। तत्पश्चात लाल रंग के स्वर्ण निर्मित सिंघा बजाने के साथ लाल वस्त्र, पुष्पमाला और धूप से ब्राह्मण की पूजा करके संकल्प पूर्वक गौ एवं कमल सहित उस पुरुष मूर्ति को ऐसे ब्राह्मण को दान कर दे, जो अनेकों श्रेष्ठ व्रतों में दान लेने का अधिकारी, सुडौल रूप से संपन्न, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव और विशाल कुटुंब वाला हो। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जो पाप के विनाशक, विश्व के आत्मस्वरूप, सात घोड़ों से जुते रथ पर आरूढ़ होने वाले ऋक, यजुः, शाम तीनों वेदों के तेज की निधि विधाता, भवसागर के लिए नौका स्वरूप और जगत सृष्टा हैं, उन सूर्य देव को बारंबार नमस्कार है। जो मानव इस लोक में उपयुक्त विधि के अनुसार एक वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पाप रहित होकर सूर्य लोक को चला जाता है। उस समय उसके ऊपर चंवर डुलाए जाते हैं। पूर्ण छीण होने पर वह इस लोक में शोक, दुख, भय और रोग से रहित होकर बारंबार अमित ओजस्वी एवं धर्मात्मा भूपाल होता है। उस समय सातों द्वीप उसके अधिकार में रहते हैं। नारद जी पति, गुरुजन और देवताओं की शुश्रूषा में तत्पर रहने वाली जो नारी रविवार को इस नक्त व्रत का अनुष्ठान करती है, वह भी इंद्र द्वारा पूजित होकर निःसंदेह सूर्य लोक को चली जाती है। जो मानव इस व्रत को पढ़ता या सुनता है अथवा पढ़ने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी इंद्रलोक में स्थित होकर देवताओं द्वारा पूजित होता है और अक्षय काल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में आदित्यवार कल्प नामक 97वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 98वां अध्याय संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। नंदकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातः काल दातून करने के पश्चात तिल मिश्रित जल से स्नान करने का विधान है। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः
पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्निकोण स्थित दल पर उष्णार्चिसे नमः, दक्षिण दल पर रिंगमंडलाय नमः, नैऋत्य कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर तपनाय नमः, वायव्य कोण स्थित दल पर भगाय नमः, उत्तर दल पर मारतंडाय नमः और ईशान कोण वाले दल पर विष्णुवे नमः से सूर्य देव को स्थापित कर उनकी बारंबार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृतपूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात चंदन और पुष्पयुक्त जल से भूमि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्रार्थ इस प्रकार है। अनंत आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है, आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इसी विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन यह सारा कार्य 12 बार करे, दोनों का फल समान ही है। एक वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करे और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्णमय कमल के साथ कलशों को दान कर दे। वे गौवें दूध देने वाली सीधी सादी तथा पुष्पमाला और वस्त्र से सुसज्जित हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा उनके साथ कांसे की दोहनी भी हो। जो इस प्रकार की 12 गौओं का दान करने में असमर्थ हो उसके लिए 8, 7 अथवा 4 ही गौ दान करने का विधान है। जो दुर्गति में पड़ा हुआ निर्धन हो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को 1 ही कपिला गौ का दान कर सकता है। इसी प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे की शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह आटे की शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। पुरुष को इस दान में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यदि करता है तो उसका अधः पतन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी, जब तक इस मृत्यु लोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पूर्ण क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदरी पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पूर्णिमयी अखिल विधि को भक्तिपूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में संक्रांत्युद्यापन विधि नामक 98वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 99वां अध्याय विभूति द्वादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। नंदकेश्वर बोले, नारद जी सुनिए, अब मैं भगवान विष्णु के विभूति द्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो संपूर्ण देवगणों द्वारा अभिवंदित है। बुद्धिमान मनुष्य कार्तिक, चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को स्वल्पाहार कर सायंकालिक संध्योपासना से निवृत्त होकर इस प्रकार का नियम ग्रहण करे।
प्रभो मैं एकादशी को निराहार रहकर भगवान जनार्दन की भली भांति अर्चना करूंगा और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करूंगा। केशव मेरा यह नियम निर्विघ्नता पूर्वक निभ जाए और फलदायक हो। फिर रात में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए सो जाए। प्रातः काल उठकर स्नान जप आदि करके पवित्र हो जाए और श्वेत पुष्पों की माला एवं चंदन आदि से भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करे। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं, विभूतये नमः से दोनों चरणों की, अशोकाय नमः से जानुओं की, शिवाय नमः से उरुओं की, विश्वमूर्ते नमः से कट की, कंदर्पाय नमः से जननेन्द्रिय की, आदित्याय नमः से हाथों की, दामोदराय नमः से उदर की, वासुदेवाय नमः से दोनों स्तनों की, माधवाय नमः से विष्णु के वक्षस्थल की, उत्कंठिने नमः से कंठ की, श्रीधराय नमः से मुख की, केशवाय नमः से केशों की, शांगधराय नमः से पीठ की, वरदाय नमः से दोनों कानों की और सर्वात्मने नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता नारद जी तत्पश्चात शंख चक्रासि गदा जलज पाणये नमः कहकर अपने नाम का उच्चारण करते हुए चरणों में प्रणिपात करे। तदुपरांत बुद्धिमान व्रति मूर्ति के अग्रभाग में एक जलपूर्ण कलश स्थापित करे। उस पर तिल से युक्त गुड़ से भरा हुआ पात्र जो श्वेत वस्त्र से परिवेष्टित हो रख दे। उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल सहित मत्स्य बनवाकर स्थापित करे और रात्रि में इतिहास पुराण आदि की कथाओं को सुनते हुए जागरण करे। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल स्वर्णमय कमल और कलश के साथ वह देव मूर्ति कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उस समय ऐसी प्रार्थना करे, देव जिस प्रकार आप सदा संपूर्ण विभूतियों से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार इस निखिल कष्टों से परिपूर्ण संसार रूपी कीचड़ से मेरा उद्धार कीजिए। मुने इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमास क्रमशः भगवान के 10 अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यास की स्वर्णमयी प्रतिमा स्वर्ण निर्मित कमल के साथ दान करनी चाहिए। उस समय छल कपट पाखंड आदि से दूर रहना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार यथाशक्ति 12 द्वादशी व्रतों को समाप्त कर वर्ष के अंत में गुरु को लवण पर्वत के साथ साथ गौ सहित शैया दान करनी चाहिए। व्रति यदि संपत्तिशाली हो तो उसे वस्त्र श्रृंगार सामग्री और आभूषण आदि से गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा गृह के साथ साथ खेत का दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार अन्यान्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर उन्हें वस्त्र गोदान रत्न समूह और धनराशियों द्वारा संतुष्ट करने का विधान है। स्वल्प धन वाला व्रती अपनी सामर्थ्य के अनुकूल थोड़ा थोड़ा ही दान कर सकता है तथा जो व्रती परम निर्धन हो किंतु भगवान माधव के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो उसे 2 वर्ष तक पुष्पार्चन की विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह स्वयं पाप से मुक्त होकर अपने 100 पीढ़ियों तक के पितरों को तार देता है। उसे 1,00,000 जन्मों तक न तो शोक रूप फल का भागी होना पड़ता है न व्याधि और दरिद्रता ही घेरती है तथा न बंधन में ही पड़ना पड़ता है। वह प्रत्येक जन्म में विष्णु अथवा शिव का भक्त होता है। ब्रह्मन जब तक 108 सहस्त्र युग नहीं बीत जाते
तब तक वह स्वर्गलोक में निवास करता है और पूर्ण क्षीर होने पर पुनः भूतल पर राजा होता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में विभूति द्वादशी संबंधी विष्णु व्रत नामक 99वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 100वां अध्याय विभूति द्वादशी के प्रसंग में राजा पुष्पवाहन का वृतांत। नंदकेश्वर बोले, नारद जी, बहुत पहले रथंतर कल्प में पुष्पवाहन नाम का एक राजा हुआ था, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात तथा तेज में सूर्य के समान था। मुने, उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने का कमल रूप विमान प्रदान किया था, जो इच्छा अनुसार जहां कहीं भी आ जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपद वासियों के साथ उस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छानुसार देवलोकों तथा सातों द्वीपों में विचरण किया करता था। कल्प के आदि में पुष्कर निवासी उस पुष्पवाहन का सातवें द्वीप पर अधिकार था, इसलिए लोक में उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्कर द्वीप नाम से कहा जाने लगा। चूंकि देवेश्वर ब्रह्मा ने इसे कमल रूप विमान प्रदान किया था, इसलिए देवता एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त कमल रूप विमान पर आरूढ़ होने पर उसके लिए त्रिलोकी में भी कोई स्थान अगम्य न था। मुनेन्द्र, उसकी पत्नी का नाम लावण्यवती था। वह अनुपम सुंदरी थी तथा हजारों नारियों द्वारा चारों ओर से समादृत होती रहती थी। वह राजा को उसी प्रकार अत्यंत प्यारी थी जैसे शंकर जी को पार्वती परम प्रिय हैं। उसके 10,000 पुत्र थे, जो परम धार्मिक और धनुर्धारियों में अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियों पर बारंबार विचार कर राजा पुष्पवाहन विस्मय विमुग्ध हो जाता था। एक बार प्रचेता के पुत्र मुनिवर वाल्मीकि राजा के यहाँ पधारे। उन्हें आया देख राजा ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। राजा ने पूछा, मुनिन्द्र, किस कारण से मुझे यह देवों तथा मानवों द्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपने सौंदर्य से समस्त देवांगनाओं को पराजित कर देने वाली सुंदरी भार्या प्राप्त हुई है? मेरे थोड़े से तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने मुझे ऐसा कमल गृह क्यों प्रदान किया, जिसमें अमात्य, हाथी, रथ समूह और जनपद वासियों सहित यदि 100 करोड़ राजा बैठ जाएं, तो वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गए। वह विमान भी आकाशगामी देवताओं द्वारा केवल चमकीले ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति दिख पड़ता है। इसलिए इस संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अन्य माता के उदर से उत्पन्न होकर अर्थात पूर्व जन्म में मैंने अथवा मेरे पुत्रों ने या मेरी इस पत्नी ने कौन सा ऐसा शुभ धर्म कार्य किया है? प्रचेतः, यह सारा का सारा विषय मुझे बतलाइए। तदनंतर महर्षि वाल्मीकि राजा के इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभावपूर्ण वृतांत को जन्म जन्मांतर से संबंधित जानकर इस प्रकार कहने लगे, राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म अत्यंत भीषण व्याध के कुल में हुआ था। एक तो तुम उस कुल में पैदा हुए, फिर दिन रात पाप कर्म में भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अंग संधि युक्त तथा बेडौल था। तुम्हारी त्वचा दुर्गंध युक्त और नख बहुत बढ़े हुए थे, उससे दुर्गंध निकलती थी और वह बड़ा कुरूप था। उस जन्म में न तो तुम्हारा कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र और भाई बंधु ही थे, न पिता माता और बहन ही थी। भूपाल, केवल तुम्हारी यह परम प्रियतमा पत्नी ही तुम्हारी अभीष्ट परमानुकूल संगिनी थी। एक बार कभी बड़ी भयंकर अनावृष्टि हुई, जिसके कारण अकाल पड़ गया। उस समय भूख से पीड़ित होकर तुम आहार की खोज में निकले, परंतु तुम्हें कोई जंगली कंदमूल फल आदि कुछ भी खाद्य वस्तु प्राप्त न हुई। इतने में ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी,
जो कमल समूहों से मंडित था, उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों को लेकर वैदिश नामक नगर विदिशा नगरी में चले गए। वहां तुमने उन कमल पुष्पों को बेचकर मूल्य प्राप्ति के हेतु पूरे नगर में चक्कर लगाया। सारा दिन बीत गया, पर उन कमल पुष्पों का कोई खरीददार न मिला। उस समय तुम भूख से अत्यंत व्याकुल और थकावट से अतिशय क्लांत चूर होकर पत्नी सहित एक महल के प्रांगण में बैठ गए। वहां रात्रि में तुम्हें महान मंगल शब्द सुनाई पड़ा। उसे सुनकर तुम पत्नी सहित उस स्थान पर गए जहां वह मंगल शब्द हो रहा था। वहां मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहां अनंगवती नाम की वेश्या माघ मास की विभूति द्वादशी व्रत की समाप्ति पर अपने गुरु को भगवान हृषिकेश का विधिवत श्रृंगार कर स्वर्णमय कल्पवृक्ष श्रेष्ठ लवणाचल और समस्त उपकरणों सहित शैया का दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई अनंगवती को देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से क्या लेना है। अच्छा तो यह होता कि इनसे भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता। नरेश्वर, उस समय तुम दोनों पति पत्नी के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और इसी अर्चा के प्रसंग में तुम्हारे उन पुष्पों से भगवान केशव और लवणाचल की अर्चना संपन्न हुई तथा शेष पुष्प समूहों से तुम दोनों द्वारा शैया को भी सब ओर से सुसज्जित किया गया। तुम्हारी इस क्रिया से अनंगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनों को इसके बदले 300 अशर्फियां देने का आदेश दिया, पर तुम दोनों ने बड़ी दृढ़ता से उस धनराशि को अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया। भूपते, तब अनंगवती ने तुम्हें भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य चार प्रकार का अन्न लाकर दिया और कहा, इसे भोजन कीजिए, किंतु तुम दोनों ने उसका भी त्याग कर दिया और कहा, वरानने, हम लोग कल भोजन कर लेंगे। दृढ़व्रते, हम दोनों जन्म से ही पाप परायण और कुकर्म करने वाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवास के प्रसंग से हम दोनों को भी विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी प्रसंग में तुम दोनों को धर्म का लेशांश प्राप्त हुआ था और उसी प्रसंग में तुम दोनों ने रात भर जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातःकाल अनंगवती ने भक्तिपूर्वक अपने गुरु को लवणाचल सहित शैया और अनेकों गांव प्रदान किए। उसी प्रकार उसने अन्य 12 ब्राह्मणों को भी सुवर्ण वस्त्र अलंकारादि सहित 12 गायें प्रदान की। तदनंतर सुहृद मित्र दीन अंधे और दरिद्रों के साथ तुम लुब्धक दंपति को भोजन कराया और विशेष आदर सत्कार के साथ तुम्हें विदा किया। राजेंद्र, वह सपत्निक लुब्धक तुम ही थे जो इस समय राज राजेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हो। उस कमल समूह से भगवान केशव का पूजन होने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए तथा दृढ़ त्याग तप एवं निर्लोभिता के कारण तुम्हें इस कमल मंदिर की भी प्राप्ति हुई है। राजन, तुम्हारी उसी सात्विक भावना के महात्म से तुम्हारे थोड़े से ही तप से ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए हैं। इसी से तुम्हारा पुष्कर मंदिर स्वेच्छानुसार जहाँ कहीं भी जाने की शक्ति से युक्त है। वह अनंगवती वेश्या भी इस समय कामदेव की पत्नी रति के सौत रूप में उत्पन्न हुई है। यह इस समय प्रीति नाम से विख्यात है और समस्त लोकों में सबको आनंद प्रदान करती तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा सत्कृत है। इसलिए राज राजेश्वर, तुम उस पुष्कर गृह को भूतल पर छोड़ दो और गंगा तट का आश्रय लेकर विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
नंदकेश्वर बोले, ब्रह्मन् ऐसा कहकर प्रचेता मुनि वहीं अंतरहित हो गए। तब राजा पुष्पवाहन ने मुनि के कथनानुसार सारा कार्य संपन्न किया। ब्रह्मन् इस विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते समय अखंड व्रत का पालन करना आवश्यक है। मुने जिस किसी भी प्रकार से हो सके बारहों द्वादशियों का व्रत कमल पुष्पों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अनघ अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देने का विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त से ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य लोगों के पापों को विदीर्ण करने वाले इस व्रत को पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने के लिए सम्मति प्रदान करता है, वह भी 100 करोड़ वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में विभूति द्वादशी व्रत नामक 100वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 101वां अध्याय 60 व्रतों का विधान और महात्म्य। नंदकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं उन 60 सर्वोत्तम व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ जो साक्षात शंकर जी द्वारा कथित दिव्य एवं महापातकों के विनाशक हैं। जो मनुष्य 1 वर्ष तक रात्रि में 1 बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित चक्र और त्रिशूल तथा 2 वस्त्र गौ के साथ कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है, वह शिव स्वरूप होकर शिवलोक में हम लोगों के साथ आनंद मनाता है। यह महापातकों का विनाश करने वाला देवव्रत है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक दिन में 1 बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित वृष सहित तिलमयी धेनु का दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पाप एवं शोक का क्षय कारक रुद्र व्रत है। जो मनुष्य 1 दिन के अंतर से रात में 1 बार भोजन करके वर्ष की समाप्ति के अवसर पर शक्कर से परिपूर्ण पात्र सहित स्वर्ण निर्मित नील कमल को वृषभ के साथ दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है, यह नील व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 मास तक शरीर में तेल नहीं लगाता और भोजन की सामग्री दान करता है, वह श्री हरि के लोक जाता है। इस लोक में यह मनुष्यों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगने वाला प्रीतिव्रत नाम से कहा जाता है। जो मनुष्य चैत्र मास में दही दूध घी और शक्कर का त्याग कर देता है और गौरी मुझ पर प्रसन्न हों इस भावना से ब्राह्मण दंपति की भली भांति पूजा करके रसपूर्ण पात्रों के साथ महीन वस्त्रों का दान करता है, वह गौरी लोक में जाता है। गौरी लोक की प्राप्ति कराने वाला यह गौरी व्रत है। जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र से युक्त 3rd तिथि को रात में 1 बार भोजन कर दूसरे दिन 10 अंगुल लंबा सोने का अशोक वृक्ष बनवाकर उसे वस्त्र और गन्ने के साथ प्रद्युम्न मुझ पर प्रसन्न हो इस भावना से ब्राह्मण को दान करता है, वह 1 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुनः शोक रहित हो जाता है। सदा शोक का विनाश करने वाला यह काम व्रत है। जो मनुष्य चौमासे में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक तक नख बाल नहीं कटवाता और भाटा नहीं खाता, पुनः कार्तिकी पूर्णिमा को मधु और घी से भरे हुए घड़े के साथ स्वर्ण निर्मित भाटा ब्राह्मण को दान करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसे शिव व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर ऋतुओं में पुष्पों को काम में नहीं लेता और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को अपनी शक्ति के अनुकूल सोने के 3 पुष्प बनवाकर उन्हें सायंकाल में भगवान शिव और केशव मुझ पर प्रसन्न हों इस भावना से दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो मनुष्य फाल्गुन मास की आदि तृतीया तिथि को नमक खाना छोड़ देता है तथा वर्षांत के दिन भवानी मुझ पर प्रसन्न हों
इस भावना से द्विज दंपति की भली भांति पूजा करके गृहस्थी के उपकरणों से युक्त गृह और शैया दान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य संध्या की वेला में मौन रहने का नियम पालन कर वर्ष की समाप्ति में घृतपूर्ण घट, दो वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह पुनरागमन रहित सारस्वत पद को प्राप्त होता है। सौंदर्य और विद्या प्रदान करने वाला यह सारस्वत नामक व्रत है। जो मनुष्य पंचमी तिथि को निराहार रहकर लक्ष्मी की पूजा करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन गौ के साथ स्वर्ण निर्मित कमल का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी से संपन्न रहता है। यह संपद व्रत है जो दुख और शोक का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य एक वर्ष तक भगवान शिव और केशव की मूर्ति के सामने की भूमि को लीप कर वहाँ जलपूर्ण घट सहित गौ का दान करता है, वह 10,000 वर्षों तक राजा होता है और मरणोपरांत शिवलोक में जाता है। यह आयुव्रत है जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य एक वर्ष तक मत्सर रहित हो, दिन में एक बार भोजन कर मौन धारण पूर्वक एक ही स्थान पर पीपल, सूर्य और गंगा को प्रणाम करता है तथा व्रत की समाप्ति में पूजनीय ब्राह्मण दंपति को 3 गौवों के साथ स्वर्ण निर्मित वृक्ष का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह कीर्ति व्रत है जो वैभव और कीर्ति रूपी फल का प्रदाता है। जो मनुष्य एक वर्ष तक गोबर से मंडल बनाकर वहां भगवान शिव अथवा केशव को घी से स्नान कराकर पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करता है और वर्षांत में तिल, धेनु सहित 8 अंगुल लंबा शुद्ध स्वर्ण निर्मित कमल सामवेदी ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे इस लोक में सामव्रत कहा जाता है। जो मनुष्य 9वीं तिथि को दिन में एक बार भोजन करके अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें आसन और सोने के तारों से खचित चोली एवं साड़ी तथा ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित सिंह दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 अरब जन्मों तक सौंदर्य संपन्न एवं शत्रुओं के लिए अजेय हो जाता है। यह वीर व्रत है जो नारियों के लिए सुखदायक है। जो मनुष्य एक वर्ष तक पूर्णिमा तिथि को केवल दूध पीकर व्रत करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन श्राद्ध करके लालिमा युक्त भूरे रंग के वस्त्र और जलपूर्ण घंटों के साथ 5 दुधारू गायें दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और अपने 100 पीढ़ी तक के पितरों को तार देता है। पुनः 1 कल्प व्यतीत होने पर वह भूतल पर राजराजेश्वर होता है। यह पितृव्रत कहलाता है। जो मनुष्य चैत्र से आरंभ कर 4 मास तक बिना याचना किए जल का दान देता है, अर्थात पौसला चलाता है तथा व्रत के अंत में अन्न एवं वस्त्र से युक्त मिट्टी का घड़ा, तिल से भरा पात्र और सुवर्ण का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। 1 कल्प के व्यतीत होने पर वह निश्चय ही भूपाल होता है। यह आनंद व्रत कहा जाता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से भगवान की मूर्ति को स्नान कराता है, पुनः वर्षांत में पंचामृत सहित गौ और शंख ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 कल्प के बाद भूतल पर राजा होता है। यह धृति व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक मांस खाना छोड़कर वर्षांत में गौ दान करता है तथा उसके साथ स्वर्ण निर्मित मृग भी देता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और कल्पांत में राजा होता है। यह अहिंसा